हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पटना मेट्रो स्टेशन को, वो भी खेमनी चक मेट्रो स्टेशन को। जानेंगे इसका काम कहां तक हुआ है और कब तक चालू हो जाएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका काम। अभी हम लोग पटना बख्तियारपुर फोर लाइन पर चल रहे हैं और यहाँ पर पटना मेट्रो का काम बहुत ही तेजी में चल रहा है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कितना तेजी में चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर मेट्रो का काम बहुत ही तेजी में चल रहा है। आपको बता दें कि इसी के आगे खेमनी चक मेट्रो स्टेशन होने वाला। अभी हम लोग खेमनी चक मेट्रो स्टेशन के पास चलेंगे और दिखाएंगे उसका काम बहुत ही तेजी में चल रहा है। इधर से जो सामने वाला रास्ता पटना मेट्रो भूतनाथ मेट्रो स्टेशन 0 माइल और न्यू ISBT तक चला जाएगा और ये वाला रोड सीधे बख्तियारपुर चला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पटना मेट्रो का काम बहुत ही तेजी में चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इधर से पटना मेट्रो मीठापुर पटना स्टेशन की ओर चला जाएगा और एक मलाई पकड़ी राजेंद्र नगर होते हुए PMCH के रास्ते गांधी मैदान से पटना जंक्शन की ओर चला जाएगा। खेमनी चक मेट्रो स्टेशन इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन होने वाला है। पटना में 2 इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन होगा, एक खेमनी चक मेट्रो स्टेशन तो दूसरा पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन जो है इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन होने वाला है। ये देखिए, यहीं पर खेमनी चक मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य हो रहा है। पटना में 2 कॉरिडोर में मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा है। खेमनी चक दोनों कॉरिडोर के मेट्रो स्टेशन होने वाला है क्योंकि यह इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन होने वाला। आप यहां पर देख सकते हैं खेमनी चक मेट्रो स्टेशन के पिलर्स का काम अभी बहुत ही तेजी में चल रहा है। आपको बता दें इस मेट्रो स्टेशन से लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर पिलर्स पर स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। बहुत ही तेजी में खेमनी चक मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना में सबसे पहले मेट्रो कहीं दौड़ेगी तो इसी एरिया में दौड़ने वाला है। इसमें स्टेशन के नाम कुछ इस प्रकार हैं: न्यू ISBT, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनी चक और मलाई पकड़ी। इसी पर सबसे पहले मेट्रो पटना में दौड़ेगी। उम्मीद है कि इस एरिया में 2025 तक मेट्रो दौड़ने लगेगी। आप देख सकते हैं इसका काम बहुत ही तेजी में चल रहा है। खेमनी चक मेट्रो स्टेशन का पिलर्स पर स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि इस मेट्रो स्टेशन 2 फ्लोर वाला होने वाला। नीचे में कैफेटेरिया, टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल होने वाला, वहीं ऊपर में प्लेटफॉर्म और मेट्रो दौड़ेगी। ये देख सकते हैं आप कितना तेजी में काम चल रहा है खेमनी चक मेट्रो स्टेशन के। इसके निर्माण हो जाने से बहुत ही ज्यादा लोगों को फायदा होगा क्योंकि पटना की बहुत बड़ी आबादी खेमनी चक में भी बसती है, जिससे लोगों को आराम हो जाएगा। अभी पटना वासियों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऑटो, बस या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है, जिससे लोगों को परेशानियां होती है क्योंकि पटना के रोड में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, जाम से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन इस मेट्रो स्टेशन के निर्माण हो जाने के बाद जब इस पर मेट्रो दौड़ने लगेगी तो लोगों को बहुत ही ज्यादा आराम हो जाएगा। बिना जाम में फंसे हुए आसानी से लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना तेजी में काम चल रहा है खेमनी चक मेट्रो स्टेशन के निर्माण का। पटना में 2 टाइप का मेट्रो का निर्माण हो रहा है, एक अंडरग्राउंड मेट्रो तो दूसरा एलिवेटेड मेट्रो। इस एरिया में एलिवेटेड मेट्रो का निर्माण हो रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं और आपको काम दिखाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं 2 एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण हो रहा है क्योंकि एक ब्रिज जो है वो मलाई पकड़ी की ओर चली जाएगी तो दूसरा सीधा मीठापुर की ओर चल जाएगी और खेमनी चक इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन होने वाला है। इसी कारण यहाँ पे 2 एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका काम बहुत ही तेजी में चल रहा है। आप देख सकते हैं इसका काम कितना तेजी में चल रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू।